नमस्ते दोस्तों, मैं समीर गोयल YouTube पर जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने किचन में स्वादिष्ट और कुरकुरा पनीर पराठा बना रहा हूं। आप यह रेसिपी मेरी वेबसाइट जयपुर द पिंक सिटी .com से प्रिंट भी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, नमक और मोयन के लिए तेल। पराठे में भरने के लिए जो मसाला हम बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए पनीर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा ताजा धनिया। सबसे पहले एक प्याले में आटा, नमक और थोड़ा सा तेल डालकर आटा गूंथ लेंगे। पराठे में भरने के लिए अब हम स्टफिंग मिक्सचर बनाएंगे। इसके लिए एक प्याले में हम कद्दूकस किया हुआ पनीर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटी ताजी हरे धनिये की पत्तियां मिलाएंगे। अब आटे से मध्यम आकार की लोई बनाकर करीब 4 इंच आकार की रोटी बेल लीजिए। अब 2 चम्मच स्टफिंग मिक्सचर इस रोटी पर रखिए और इसे बंद करके फिर से लोई बना लीजिए। इस लोई पर सूखा आटा लगाकर इससे करीब 6 इंच आकार का पराठा बेल लीजिए। गर्म तवे पर पराठे को दोनों ओर से घी लगाकर सेक लीजिए।
यह लीजिए, तैयार है स्वादिष्ट और कुरकुरा पनीर पराठा। हर शनिवार मेरी नई रेसिपीज देखते रहने के लिए मुझे YouTube पर जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।